प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। उन्होंने बाबा विश्वनाथ से प्रदेश के कल्याण की कामना की। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन की ओर से उन्हें रुद्राक्ष की माला, अंग वस्त्रम और एक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। पूजा के बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी पहुंच रहे हैं और उनके भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वाराणसी के महापौर अशोक कुमार तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव और भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा मंडल के महामंत्री मुन्ना लाल यादव उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर उत्साह व्यक्त किया और कहा कि यह अवसर न केवल वाराणसी के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी से अपील किया कि वे इस विशेष मौके पर एकजुट होकर प्रधानमंत्री का स्वागत करें। बहराइची घटना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बहराइची घटना को हमने गंभीरता से लिया है। आज वहां स्थिति नियंत्रण में है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। दंगों को लेकर हो रही साजिश पर सरकार सख्त हुई। दंगों को लेकर अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही दंगा फसाद है। देखिए, बहराइच की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। हर स्थिति में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। आज वहां स्थिति नियंत्रण में है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार के साथ हमारी सरकार खड़ी है, हम सब खड़े हैं। जो लापरवाही किसी स्तर पर यदि बरती गई है, और दूसरी बात है यदि कोई षड्यंत्र है उसकी भी जाँच हो रही है। हर स्थिति में पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ जांच करेंगे और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि देखिए, समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही गड़बड़ी है, दंगा फसाद है। हमारी प्रतिबद्धता अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस को लेकर के है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है।